मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी ने लोटस चॉकलेट में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह खरीदारी रिलायंस रिटेल की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने की है। यह डील 74 करोड़ रुपए में हुई है। डील की डिटेल। रिलायंस रिटेल ने बताया, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड लोटस के 65,48,935 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगा, जो कंपनी के मौजूदा प्रमोटर और प्रमोटर समूह की 51% हिस्सेदारी है। यह 113 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हुई है, जिसकी कुल रकम 74 करोड़ रुपए है। कंपनी ने लोटस के सार्वजनिक शेयर धारकों के लिए 26% की खुली पेशकश की भी घोषणा की है। इसके तहत लोटस के 33,38,673 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया जाएगा। क्या कहा ईशा अंबानी ने? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, हम लोटस की अनुभवी प्रबंधन टीम के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। हम कारोबार का विस्तार करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। वहीं लोटस के संस्थापक प्रवर्तक अभिजीत पई ने कहा कि हम रिलायंस के साथ समझौता कर खुश हैं। इस निवेश के माध्यम से रिलायंस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी होगी। शेयर में अपर सर्किट। इस खबर के बीच लोटस चॉकलेट के शेयर में गुरुवार को अपर सर्किट लग गया। कारोबार के अंत में BSE इंडेक्स पर लोटस चॉकलेट का शेयर भाव 117.10 रुपए था। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल 150 करोड़ रुपए है।